हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टिकटॉक के न्यू अपडेट को लेकर। जैसे कि दोस्तों, टिकटॉक ने बहुत बड़ा अपडेट किया है डाटा सेवर ऑप्शन का, जिसमें क्या होगा, अब 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म कर देते थे, लेकिन अब यहाँ पर डाटा सेवर ऑन कर देते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से 1.5 GB में ही टिकटॉक के वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ डाटा सेवर का ऑप्शन जो है आपको इनेबल कैसे करना है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च बार में सर्च करना है आपको टिकटॉक, अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद टिकटॉक आईडी ओपन करना है। ओपन करने के बाद मी पे आना है। मी पे आने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक ऑप्शन क्लियर कैच का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। कुछ यहाँ पे MB आपको 2-4 MB मिल सकता है डिलीट करने का ऑप्शन, तो डिलीट आपको कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको टिकटॉक आईडी को आपको उसके नीचे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉग आउट का, लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। जब आपका रीस्टार्ट हो जाएगा तो आप फिर से टिकटॉक आईडी को ओपन करना है और यहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं डाटा सेवर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, और इसे आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने पे आप 1 से 1.5 GB में ही आप 24 घंटे तक आप टिकटॉक के वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।